भारत के रहने वाले, हम भारत के रहने वाले, यहाँ की रीत पुरानी, कुछ आए ना आए हमको आए प्रीत निभानी। यही ओम यही जय जगदीश करते हैं मनमानी, गंगा जमुना सरस्वती में होती खींचातानी। थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी है सच्चाई हम में, थोड़ी बेईमानी। दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी। हम जो भी है जैसे भी अच्छे हैं, झूठे हैं लाख सही दिल के सच्चे हैं। प्यार भरा हो अपना आंगन, रिश्तों की खुशबू से महके तन मन। कभी नजर ना लगे हम सबके घर को, चलो शुक्र करें हम अपने रब को। बात जुबां की समझ सको तो समझो दिल भर जानी, इस मिट्टी के लिए हम अपनी दे देंगे कुर्बानी। थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी है सच्चाई हम में, थोड़ी बेईमानी। दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी। सर आप क्यों फिक्र कर रहे हैं, मैं हूं ना। हाँ सर, मिस्टर सरकार के साथ मैं आज लंच पे जा रहा हूं, डोंट वरी मैं सब सेट कर लूंगा। हैं? आज का लंच का बिल तो मैं दे दूंगा, लेकिन सर मिस्टर सरकार से हमें जो केस की फीस मिलेगी ना, उससे हमारे अगले 3 साल का ब्रेकफास्ट लंच डिनर सारा पैसा निकल आएगा सर। अरे आप नहीं जानते एडवोकेट ओम भूषण क्या चीज है। डोंट वरी सर। ओके बाय सर, बाय बाय। मैंने कहा जी क्या बात छात है, कुछ परेशान से लग रहे हो। हाँ गंगा, बात ही कुछ ऐसी है। हाय कैसी बात छात। वो क्या है ना गंगा, एक बहुत बड़ा केस मेरे हाथ लगने वाला है। अगर ये केस मेरे हाथ में नहीं आया ना, तो मेरी नौकरी हाथ से चली जाएगी। तुसी बड़े मजाक किया हो। लो जी, आज तक किसी ने भी अपनी खुशी से कोई केस आपके हाथ साथ में दिया है? जो बाकी वकील छोड़ देते हैं, आप पीख शीख मांग कर ले लेते हो, पर आज तक आपकी नौकरी आपके हाथ से नहीं गई। हाथ हटा, हाथ हटा। तुम्हें बकती रहती है और मुझे 5,000 रुपए दे दे। 5,000? हाँ, क्लाइंट के साथ मुझे 5-star होटल में लंच के लिए जाना है। लो जी, अगर 5,000 चाहिए थे तो 5-10 दिन पहले बताना चाहिए था। गंगा 3 दिन पहले मैंने तुम्हें 5,000 रुपए दिए थे, वो वापस दे दो। आए हाय, ये जो एसी की ठंडी ठंडी हवा खा रहे हो ना, उसकी बिजली का बिल भरा है मैंने 2,000 रुपए, और जो सुबह आपने पराठे खाए थे गर्मा गर्म, उसके बनिए का बिल दिया है मैंने 1,500 रुपए, और जो आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते। बस बस बस, इसका मतलब है तुम्हारे पास अब वो 5,000 नहीं है? नहीं, 5 तो है पर 1,000 नहीं है, 100 है, 500। चुप कर यार। देखो जी, मैं आपको बताती हूँ, आप ना उस क्लाइंट को एक सस्ते से होटल में ले जाओ, उसे बड़ा पाव शाव खिला दो। अब बकवास मत कर। मैं तो आपको समझा रही हूँ ना। चुप हो जा यार, हमेशा तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। देखो जी, अरे मेरी किस्मत ही खराब थी जो तुम्हारी जैसी बीवी मिली मुझे। हटाओ। मुझे कुछ नहीं सुनना है, इस वक्त मैं बहुत गुस्से में हूँ। इसमें गुस्सा करने की क्या जरूरत है, जब मेरे पास पैसे है ही नहीं तो मैं दूँ कहाँ से? गंगा जाओ, देखो कौन है। कौन आया होगा? जाके दरवाजा खोलो, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। जाओ।
कौन है? हाँ यहाँ तो कोई है ही नहीं। यू आर अंडर अरेस्ट। ओए बिल्लू, तूने मुझे डरा दिया था, मुझे फिर तो जान शान ही निकल गई थी। और ठीक भी तो है ना बेणा, और लोग कहते हैं कि पुलिस की दोस्ती ते दुश्मनी और दोनों ही बुरी होती है। एनमिटी एंड फ्रेंडशिप बोथ आर बैड। भाई तेरी अंग्रेजी वाली बात का तो कोई जवाब नहीं है मेरे पास, पर हिंदी वाली बात का जवाब ये है कि हाय तू तो मेरा भरा है, तू मेरा दुश्मन कैसे हो सकता। ओ इतने दिन कहाँ था, इतना इंतजार किया, इतने दिन बाद आया बेशरम। आपका प्यार, अब मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, आप मेनू मार रही है या प्यार कर रही है? मतलब तो देर से समझ में आएगा ना बेणा। जी? हाँ? नहीं कुछ नहीं, ओ मैं दरअसल एक चोर का पीछा कर रहा था, वन थीफ आई वॉज बिहाइंड, इतने दिनों से उसके पीछे ही चक्कर काट रहा था बस। अच्छा याद आया, वो चोर जो है पटियाला जा रहा है, तो मैं भी उसके पीछे पीछे पटियाला जा रहा हूँ। आपको अपनी बाबी को कुछ भेजना तो नहीं है? जी भेजना कैसे नहीं, भेजना कैसे नहीं, जरूर भेजना है। वो क्या सोचेगी भाई, उसकी ननान ने इतनी दूर से उसके लिए कुछ भी नहीं भेजा। जे है मेरा आशीर्वाद मेरी पापी को देना, और उसे कहना कि उसकी ननान उसे बहुत याद करती है। चल जी कोरियर शोरियर अपने आप ही हो जाएगा। ओ जी आशीर्वाद कोरियर कर दिया है। वाह बेड़ा वाह, और तुसी तो मेरे से भी ज्यादा मजाक किया हो। पर मैंने तो कोई मजाक नहीं किया। अच्छा और रहने दीजिए, सीरियस ही चलने दीजिए। ओ सीरियस में याद आया, जीजा जी नजर नहीं आ रहे, ब्रदर इन लॉ नॉट टू बी सीन। बस सीन तो ये है कि वो मुझसे नाराज होकर बैठे हैं। अच्छा नाराज हो गए? वो कोई बात नहीं, माफी मांग के उन्हें मना लीजिए। हाँ माफी तो तब मांगूंगी ना जब एक जगह बैठेंगे। लो जी वो तो कहीं ठहरते नहीं है, उछलते रहते हैं। और ठहराइए उन्हें, जबरदस्ती ठहराइए। हॉल्ट, टेल हिम दैट हॉल्ट, जैसे हम लोग ठहराते हैं मुजरिम को हथकड़ी बांध कर। मुंह फुलाकर अंदर बैठे हैं। मुंह फुलाने से मुझे याद आया, भाई प्रीतो को रसगुल्ले बड़े पसंद है, मैं अभी उसके लिए बना देती हूँ, तू लेकर जाना। ना 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 बहना, वैसे इतनी देर हो गई है और मैंने जाना भी है, पैकिंग करनी है। एयरपोर्ट जाने से पहले एक काम करता हूँ, यहाँ होके जाता हूँ, रसगुल्ले लेके जाऊंगा। जरूर आना है। हाँ जी, हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। लो जी रसगुल्ले खाने से प्रीतो तो खुश हो जाएगी, पर ये कैसे खुशबुश होंगे। हाय हाय बिल्लू हथकड़ी यही भूल गया। ओए बिल्लू, कोई बात नहीं, वो जब रसगुल्ले लेने आएगा तो उसे हथकड़ी दे दूंगी। और ठहराइए उन्हें, जबरदस्ती ठहराइए। हॉल्ट, जैसे हम लोग ठहराते हैं मुजरिम को हथकड़ी बांध कर। अब देखती हूँ भाई ये बाज कर कैसे निकलते हैं। रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे। देखो गंगा, पहले ही मेरा दिमाग बहुत खराब है, अभी और तुम। आपका दिमाग ठीक करने की तरकीब शरकीब है मेरे पास। अच्छा देखो जी, मेरी बात सुने बगैर अब आप जा तो सकते नहीं, इससे अच्छा आप मेरी बात शांति सुन लो। ओफ़ ये क्या पागलपन है गंगा। अच्छा चलो बोलो क्या है। आप अपने क्लाइंट के साथ खाने पे जा सकते हैं। अच्छा गंगा, तो मैं एक काम करता हूँ, पापड़ बहुत सस्ते होते हैं ना, उन्हें 10-12 पापड़ खिला देता हूँ, ऊपर से 5-6 ग्लास पानी पिला देता हूँ, और कहता हूँ लो जी लंच हो गया।
आप उन्हें महंगे वाला खाना शाना खिला सकते हो। ये देखो 5,000 रुपए। गंगा, अरे तुम्हारे पास 5,000 कहां से आ गए? आपकी तरह समाज में झूठ सच बोल के मैं पैसे लोगों से नहीं लेती। मैंने सच्ची चट्टी अपनी फ्रेंड से कहा कि मुझे 5,000 रुपए चाहिए, उसने मुझे एक महीने के लिए उधार सुधार दे दी। अरे कमाल हो गया गंगा, ये तो कमाल हो गया। लेकिन तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पहले कैसे बताती हूँ, आप मेरी बात सुनते ही कहाँ है। इसीलिए तो मैंने ये हथकड़ी वाला आइडिया अपनाया। वो तो पला हो बल्लू का जो ये हथकड़ी जहाँ छोड़ गया, वरना तो मेरे हाथ साथ ही नहीं ना आते। अच्छा अच्छा ठीक है, अब इसे खोलो भी, लंच के लिए जाऊँ या नहीं? हाँ खोलती हूँ खोलती हूँ। गंगा बहुत अच्छा हो गया, खोलो ना जल्दी। खुल नहीं रही। मैं खोल रहा हूँ, ऐसे ऐसे खोलते, जोर लगा के खोलो। मैंने कहा जी दूसरी साइड में मोड़ कर खोलो। ये तो अटक गई है। खैर मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखो जल्दी जल्दी जरा, ओ वो लग रहा है यार, खुल गया। टूट गई चाबी, टूट गई। अरे चाबी टूट गई, वो तो क्या, बल्लू को फोन करो, जल्दी फोन करो उसे। बल्लू का नया नंबर नहीं है मेरे पास। अरे गंगा तो क्या करे अब? अब तो जो करना होगा भगवान ही करेंगे। हाँ जी यार। अरे गंगा, ओ चाबी क्यों तोड़ी तुमने? हाँ मैंने जानबूझ के थोड़ी थोड़ी छोड़ी। अच्छा चलो ठीक है, अब तोड़े से। अच्छा हाँ, लो तो मैं कजी रेडी। हाँ रेडी रेडी। वन आराम से, टू थ्री। रुको 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 गंगा, पहले ना किसी और चीज पे निशाना पक्का कर लो। किस पे? हाँ ये ठीक है, देखो कटोरी? ये कटोरी है। गंगा एक मिनट, ये जो है ये मेरा हाथ है। अच्छा। है? ये है तुम्हारा हाथ। हाँ। और तुम्हें दोनों हाथों को बचा के हथकड़ी को तोड़ना है। समझ गई। हाँ। भाई ये मेरा हाथ है, ये आपका हाथ है, दोनों को बचा के इस टोरी पे मारू। हाँ चलो रेडी। हाँ लेकिन यहाँ मेरा हाथ होता तो ये मेरा हाथ है ना। हाँ जी हाँ जी। ओ गंगा तुमसे नहीं होगा, लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। देखो गंगा ऐसी चीजों के लिए ना कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होता है, कॉन्सेंट्रेशन। हाँ पहले ऐसे हथौड़े को पकड़ो, फिर अपना पूरा ध्यान हथकड़ी पे लगाओ, अपनी आंखों को अर्जुन की आंखें बनाओ। अब बताओ क्या दिख रहा है तुम्हें? मछली की आंख। अरे यार हथकड़ी की जगह मछली की आंख कैसे आ गई? हाँ, अर्जुन को तो मछली की आंख दिखती थी। हाँ लेकिन तुम क्या आदमी हो? अर्जुन तो आदमी था ना, हमें हथकड़ी तोड़नी है। अच्छा जी अच्छा। हाँ ठीक है, तुम्हें सिवाय हथकड़ी के और कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। ठीक है। वन वन टू थ्री। मेरे जी क्या हो गया? हाँ ये तो टूटी नहीं, क्या टूटा? यार ये बल्लू क्यों नहीं आया अब तक? मुझे लगता है वो हमसे मिले बगैर ही हवाई जहाज में बैठ गया होगा। क्या? अरे गंगा मुझे लगता है हम पुलिस स्टेशन में फोन करते हैं, कह देते हैं कि किसी को भेज दे हथकड़ी खुलवाने के लिए। मैरिका जी, मैरिका जी तुसी बड़े मजाकिया हो। हाय आपकी मीटिंग शीटिंग के लिए मैं अपने भरा की नौकरी तो नहीं खतरे शतरे में डाल सकती? अच्छा और अगर मैं मीटिंग के लिए नहीं गया तो मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी? अब होटल में तो हम ऐसे जा नहीं सकते, लोग समझेंगे या तो हम पागल हैं या जेल से भागे हुए कैदी। मेरिका जी मेरे पास एक आइडिया शैडिया है। हाँ। सुनो जी उन लोगों को हम यहीं पे बुला लेते हैं, यहाँ तो हम किस तरह भी हैंडल शैंडल कर लेंगे ना। देखो गंगा देखो और कोई आइडिया शैडिया नहीं है मेरे पास। लगता है और कोई चारा ही नहीं है। ठीक है यही सही, चलो रुको। हेलो। हाँ सर, सर ओम बोल रहा हूँ।
कैसे हैं सर आप? सर वो क्या है कि प्लान में थोड़ा सा चेंज हो गया है सर। हाँ जी, नहीं नहीं सर, आप ही के लिए। जी जी जी, आप ही के लिए। सर क्या है, दरअसल बाहर का खाना खाने से पेट खराब हो सकता है सर। हाँ, और आप तो जानते हैं कि जो मजा घर के खाने में है वो बाहर के खाने में कहाँ, राइट सर? और वैसे अगर हम घर में खाना खाएंगे तो शांति होगी। कौन है शांति? शांति मतलब पीस, पीस, सुकून। हाँ, नहीं नहीं सर, शांति नहीं, गंगा मेरी बीवी, हाँ थोड़ी सी पागल है सर। हाँ हाँ सर, तो हम घर पे ही मिलते हैं। ओके सर, बाय, थैंक यू सर। हाँ हो गया काम। हाँ, वो तो होना ही था। हाँ, आपको एक बात बताऊं? बोलो। भाई बचपन में मैं जब छोटी थी ना, हाँ, हाँ। तो मेरा दिमाग बहुत तेज चलता था। अच्छा। लो जी, मेरी माँ ने कहा गंगा तू से कभी जूझ मत करना, पर आज मैंने जूझ करके आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अच्छा गंगा, तुम्हें देखना है तुम्हारे दिमाग जूझ करने का नतीजा कैसे ये तुम्हारी वजह से हुआ है सब। गंगा भाई साहब नमस्ते। आजकल ना हम नए स्टाइल से नमस्ते करते हैं, जब से हमने वो फिल्म देखी है, जरा देख। सलाम नमस्ते। गंगा मुझे तुझे ना एक बहुत ही मस्त खबर सुनानी है, जरा भाई साहब को बोलना अंदर जाने के लिए। अरे कमाल करती हैं आप भी, बोलने की क्या जरूरत है, मैं खुद चला जाता हूँ। आप नहीं जा सकते। जाने देना बाबा, हमारी औरतों वाली मस्त खबर है, वो सुन के क्या करेंगे? औरतों और इनमें फर्क क्या है? मेरा कहने का मतलब ये है भैया, अंदर नहीं जा सकते, इन्हें तू से बहुत एलर्जी है। अरे एक काम करते हैं ना, हम दोनों ही अंदर चले जाते हैं। तू चल, मैं आई। अच्छा बाबा ठीक है ठीक है, लेकिन जल्दी आ। हाँ मैंने कहा जी छुप छुप कर चलो। ओके, मैं छुपता हूँ। आ रही हूँ, मेरे पीछे छुप छुप कर चलो। ओके चल। गंगा अरे अंदर आ जा, इसे अपना ही कमरा समझ। वो तो है ही, पर तू ना मुझे वहीं से सुना दे, मैं यहीं से सुन लूंगी। लो कर लो बात। अरे टॉप सीक्रेट है, उधर कैसे सुनेगी, इधर आ इधर आ। अरे गंगा ये तेरी आवाज को क्या हो गया? वो ना मेरा गला खराब है, तो उसमें बड़ी अजीब अजीब टाइप की आवाजें निकलती हैं। देख ए ए अरे बस सुन तो, इधर इधर देख, वो 10 नंबर वाली मधु है ना, मधु उसके पति ने उसके साथ गंगा गंगा मुझे लग रहा है कि तेरे पीछे कोई है। हाँ है ना, क्या दबान तू भी ना। इधर सुन इधर सुन, दीवारों के भी कान होते हैं कान। अच्छा? हाँ, बहुत ही टॉप सीक्रेट बात बताई है ना। हाँ। फिर भी मुझे लगता है तेरे पीछे कोई नहीं। अरे भाई साहब आप, अरे बहन जी आप यहाँ? भाई साहब आपको शर्म आनी चाहिए कि आप यूँ छुप छुप के दो औरतों की बातें सुन रहे हैं। भाई साहब आपको शर्म आनी चाहिए। सॉरी बहन जी। गंगा तू चुप कर, तू सब कुछ जानती थी कि ये हमारे पीछे खड़े रहकर हमारी बातें सुन रहे हैं और तूने उनको सब कुछ सुनने दिया। देख गंगा, आज से ना सोसाइटी की जो भी टॉप सीक्रेट बातें होगी ना, वो तुझे बिल्कुल पता नहीं चलेगी, क्योंकि क्योंकि तूने मेरा कॉन्फिडेंस तोड़ा है, मेरा विश्वास तोड़ा है। बिना पहन लेकिन बेकन शेकन। गंगा मैं तेरा लेकिन बेकन शेकन कुछ नहीं सुनना चाहती, आज से तेरी जुगलखोर कमेटी की मेंबरशिप बिल्कुल खत्म। ओए जा रही बस। बिना सुन, अरे और तो की बातें सुनते हैं। हाय मेरी गजी गजब हो गया, अब मेरा टाइम कैसे पास होगा, मैं किससे चुगलियां करूंगी और किससे चुगलियां सुनूंगी। गंगा तुम अपने टाइम की नहीं मेरे टाइम की जरा चिंता करो, क्योंकि मेरा क्लाइंट आने वाला है और उसके आने से पहले अगर खाना नहीं बनाना तो हम दोनों का टाइम खराब शुरू हो जाएगा। मेरे का जी हाथ खड़ी तो छुपाओ। अरे हाँ छुपा दो छुपा दो।
मिस्टर सरकार आई 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 नमस्कार ओम बाबू नमस्कार प्लीज टू मीट यू नहीं देखो हमारा कोलकाता में आदमी लोग हाथ नहीं मिलाता है हाथ नहीं मिलाता गोला मिलाता है गोला गोला बर्फ का गोला खाते हैं नहीं नहीं बर्फ वाला गोला नहीं रे बाबा अरे गाले मिलता है गोला माने गाले मिलता है हां गाले बोधी अरे ये देखो बोधी बोधी हाँ बोधी बोधी माने बंगाली में भाई का पत्नी को बोधी बोलते हैं तो भाभी भाभी देखो बोधी हमको ना ओम दाता का गाला लगना है आपका नहीं थोड़ा आप साइड में रहो सुनो बाजी आप इनके गोले लग जाओ बोधी अपने आप पीछे हट जाएगी अच्छा ठीक है आओ आओ ओम बाबू आओ अरे वाह बहुत मजा आया जाने दो चलिए चलिए आइए चलो चलो आइए ना लो घोड़ा आइए आइए घोड़ा आइए बैठिए बैठिए हाँ बैठा है ये घर आपका अपना है क्या हाँ बैठो पाजी 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 मम्मी पाजी नहीं 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 आप गलत समझ गए मिस्टर सरकार मैं समझाता हूँ बोधी मतलब बंगाली भाभी पाजी मतलब पंजाबी भाभी भाभी मतलब भाभा भाभा अभी भाई साहब भाई साहब भाई साहब पंजाबी में भाई साहब को पाजी बोलते हैं खूब भालो खूब भालो पालू पालू नहीं भाभी खूब भालो माने खूब अच्छा 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 बोधी देखो हमको ना बहुत भूख लगा है हाँ हमको कुछ खाने को दो ना है तो ओके आप कहाँ जाता है आप बैठो क्या है कि मिस्टर सरकार आप थोड़ी देर यहाँ हवा खाइए हम आपके लिए किचन से कुछ लाते हैं नहीं नहीं देखो ओम बाबू जब तक बोधी खाने को कुछ लाता है ना अंदर से तब तक आपको हम हमारा केस समझा देगा देखो बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है नहीं नहीं मैं आपको समझाता हूँ वो क्या है ना कि सारे केसेस हम दोनों एक साथ ही सुनते हैं अच्छा बोधी भी वकील है नहीं अब वकील नहीं है मैं LLB हूँ ये LLW है LLW हाँ ए देखो ओम बाबू हम LLB तो सुना है किंतु LLW पहली बार सुना है मैं बताता हूँ आपको LLW मतलब लॉयर की लाजवाब वाइफ वो कह रहा मिस्टर सरकार सारे केसेस में गंगा ही मेरी मदद करती है आपका मर्जी है ठीक है दोनों सुनेगा तो सुनो हमारा हमारा पत्नी का साथ में झूमता नहीं हम तो उसे डाइवोर्स चाहिए अरे बहुत फैटिंग होता है हम लोग का हमारा भी बहुत होता है जी फैट शैट अरे बोधी आपका फाइटिंग हमारा फाइटिंग से बहुत कम होगा आपको मालूम नहीं है हमारा और हमारा पत्नी का ना छोटा छोटा बात में फाइटिंग होता है हम भी बहुत चागड़ते हैं जी देखो बोधी हमारा पत्नी हमको बोलती है कि हम उसको टाइम नहीं देती है ये भी नहीं देते अरे बोधी ओम बाबू हमारा पत्नी ना हमारा बहुत सर खाता है अरे ये भी तो मेरा सर खाती है तुसी बड़े मजाकिया हो जी मैं कब आपका सर भर खाती हूँ हमेशा लेकिन क्या ना मिस्टर सरकार कभी मैं एडजस्ट करता हूँ कभी ये एडजस्ट कर लेती है जाने दो देखो हमारा पत्नी ना बोधी बहुत शॉपिंग करता है अरे उसको लगता है हमारा पास कोई खजाना घोड़ा हुआ है मेरी भी यही प्रॉब्लम है मैंने कहा जी अब आप मजाक की हद शाद कर रहे हो देखो गंगा देखो जी अब नहीं सुनना मुझे ये सब सरकार जी मैं कोई LLB शब्लियो नहीं हूँ मैं जा रही हूँ खाना छाना लाने सुनो सुनो पुलिस है आप लोग क्या जेल से भाग के आए आपको समझाता हूँ क्या है वो क्या है ना मिस्टर सरकार ये वो आपने गाना नहीं सुना क्या कौन सा ये है प्यार की हथकड़ी हमारा प्यार है प्यार प्यार ये हथकड़ी वाला कौन सा प्यार है गाना ठीक है
कि ना इनको मेरे साथ बताने के लिए भी टाइम शैम बहुत हाँ। काम मिलता है, तो जब भी ये घर आ जाते हैं ना तो हम ये हाथ कड़ी डालकर साथ साथ में बस ऐसे घूमते शुरू कर देते हैं। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। बहुत भूत है रे बाबा, नहीं भाजी ये भूत नहीं है, बस इनकी शक्ल ही भूत जैसी है। नहीं नहीं बुद्धी, वो ये भूत नहीं बोला, हम बोला उद्भूत। उद्भूत माने अति सुंदर। बाजी मैं तो बचपन से ही अति सुंदर हूँ, पर मेरी माँ ने गलती से भूत से मेरी शादी कर दी, और फिर भी बाजी मैंने बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा। तो आपने गाना शाना सुना है? और एक गाना, बेल बेल प्यार प्यार मैं क्या जानू रे। इन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा। नहीं नहीं ओम बाबू, हमारा भी फेवरेट गाना है, खूब अच्छा लगता है। अच्छा, बाद में पाजी असल में क्या, हम दोनों ना एक दूसरे बगैर रह नहीं सकते। हाँ। भाई बहुत प्यार शेयर है हमारा। कोमल है, एकदम कोमल है। हमारा और हमारा पुतनी का भी बीच में बहुत फाइटिंग होता है, आप लोग का बीच में भी फाइटिंग होता है। हमारा पुतनी भी हमारा बहुत पैसा खर्चा करता है, आप भी इनका पैसा खर्चा करता है। हमारा पुतनी हमारा सिर खाता है, आप भी इनका सिर खाता है। किंतु किंतु आमी हम हमारा पत्नी से डायवोर्स लेने को इधर आया, और आप अपना पत्नी के साथ हाथ कोड़ी लगा के प्यार का गाना गाता है। अरे नहीं, ये बहुत गड़बड़ हो गया रे बाबा। ए ओम बाबू, ओम बाबू, हमारा वो डायवोर्स का प्रोग्राम कैंसिल। चुप करो। क्या सच्ची? मतलब वो केस, मेरी फीस? अरे तुम फीस का चिंता मत करो बाबू, तुम्हारा फीस हम तुमको देगा। तुम हमारा घर बसा दिया है तो अभी ना अभी हम तुम्हारा पोती के पास जाता है, हमारा पोर्टल वाइफ के पास। ठीक है, थैंक यू बाबा। अरे अच्छी अभी बाबा। अरे गंगा। हाँ जी। आज तो तुमने पहली बार सच्ची में कमाल कर दिया। आओ गोला मिलो, गोला मिलो। बोदी आपका पास ऐसा एक ठू और हाथकड़ी है क्या?